नमस्ते दोस्तों, मैं आप सभी का अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं गणपति जी के ऊपर लेकर आई हूँ। गणपति जी की स्तुति जो बहुत ही रेयर है, या आप बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट विलुप्त सी हो चुकी है, बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते होंगे, तो मैं वो स्तुति आप सबको बताना चाहती हूँ, ताकि मैं चाहती हूँ कि मैं जो वो करती हूँ वो मेरे साथ और भी लोग करें और वो कहीं खो ना जाए। जैसे कि मुझे ये किसी ने दी, मेरी फैमिली में ये थी, मुझे मेरे पिताजी को किसी ने ये दिया कि आप इसे करिए, और मुझे मेरी फैमिली से मुझे मिली, और मैं बहुत सालों से इसको कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो चीज़ मेरे पास है, जो गणपति जी की स्तुति है, 21 मंत्रों का श्लोक है, ये आप सब तक भी पहुँचे और आप सब इसको आगे तक बढ़ाएं। मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगी इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ। ये मेरा पहला वीडियो है, तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये जो स्तुति है, ये 21 मंत्रों की स्तुति है जो गणपति की गई है। गणपति एक ऐसे देवता हैं जो किसी भी पूजा में सबसे पहले पूजनीय होते हैं। मैं बहुत ही रिलीजियस इंसान हूँ और रिलीजियस के साथ में मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हूँ, तो पूजा तो मैं रोज़ करती ही हूँ, लेकिन पूजा के साथ में मैं आई ट्राई टू कनेक्ट विद द यूनिवर्स, एंड वी ऑल एवरीबडी शुड ट्राई टू कनेक्ट। हमको ईश्वर के साथ में एक संबंध बनाना चाहिए। मैं ये तो नहीं बोलती कि चाहिए ही चाहिए, इट्स मस्ट, बट वी शुड, हमको करना ही चाहिए, क्योंकि जिस ईश्वर ने हमें पैदा किया है, वो ईश्वर जिसने इस पूरे संसार को पैदा किया है, हमें बनाया है, हमें पालता है, उसे याद करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम शिकायत तो बहुत करते हैं कि हमें ये तकलीफ़ क्यों हुई, हमें ये दुख क्यों मिला, हमें भगवान ने ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया, उसे ये दिया, उसे वो दिया। तो शिकायत करने के पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए कि हम ईश्वर को कितना याद करते हैं, कि इट्स अ वाइस वर्सा। जब हम उन्हें याद रखेंगे तो डेफिनेटली वो हमें भूल ही नहीं पाएंगे, उनको याद करना ही पड़ेगा। तो ईश्वर को याद करना बहुत ज़रूरी है, और ईश्वर तो एक ही है इस संसार में, उनके रूप अलग, बहुत अलग अलग हैं, बहुत अनेक रूप हैं। तो आप किसी भी ईश्वर को आप आराधना करते हैं, सबसे पहले हमें गणपति जी की आराधना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने गणपति जी को मना लिया, उन्हें खुश कर लिया, तो आप यकीन मानिए आप किसी को भी बहुत आसानी से खुश कर सकते हैं, क्योंकि गणपति जी एक अकेले विघ्नहर्ता हैं, सारे विघ्नों को ख़त्म करने वाले। गणपति जी विद्या बुद्धि के दाता हैं, सारे विद्याओं के दाता हैं, सारी चीज़ों का श्री गणेश करने वाले हैं। तो अगर गणपति जी आपसे खुश हो गए, तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी की सारी दुख तकलीफ़ें, आपकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। फिर आप किन्हीं को भी मनाइए, किन्हीं की भी आराधना कीजिए, वो आपसे मानेंगे ही मानेंगे, वो खुश होंगे ही होंगे। तो गणपति जी की स्तुति करना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, भले ही वो रोज़ का रूटीन हो, पूजा हो, या आप कोई बड़ा अनुष्ठान करवाएं, आप बड़ा यज्ञ कराएं, किसी भी तरीके का कुछ भी प्रोग्राम हो, सबसे पहले उसका श्री गणेश गणपति जी से ही करिए। तो गणपति जी की ये जो स्तुति है, ये बहुत रेयर है, जो मैं आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ। इसमें 21 मंत्र हैं, और इसकी विधि मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ कि आप चाहें तो इसको रोज़ कर सकते हैं, या आप चाहें इसको तो इसका एक प्रोसीजर भी होता है। अगर आपको कुछ स्पेशल चीज़ चाहिए ईश्वर से, उनसे मनवाना है, आपको कुछ काम अटका पड़ा है, या आप सिंपल उन्हें खुश करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उनकी कृपा आपकी ज़िंदगी में हो जाए, तो आप इसका पाठ करिए। 21 श्लोक की स्तुति रोज़ाना 21 बार 21 दिनों तक आपको करनी होती है। उसका प्रोसीजर आप चाहें तो बहुत हैवी भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं पता, तो आप सिंपल हाथ जोड़ के भगवान के सामने उनको एक दुर्बा चढ़ा दीजिए, हल्दी चंदन लगा दीजिए, चावल चढ़ा दीजिए और हाथ जोड़ लीजिए। पहले दिन हल्का सा संकल्प कर लीजिए कि मैं, मेरी ये विश है
आप प्लीज़ मेरी विश पूरी कर दीजिए, मैं 21 दिन तक का आपका पाठ करूँगा रोज़ 21 बार, और आखिरी दिन 21वें दिन उनको लड्डू, उनको बहुत पसंद है, आप उनको लड्डुओं का भोग लगा दीजिए, वो भी 21 लड्डुओं का भोग लगा दीजिए। आप खुद भी खाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए, जिसको बांटना है बांटिए। आप यकीन मानिए, अगर आप 21 दिन तक उनका ये पाठ करते हैं, आपका कोई भी काम हो, वो अटका हो, आपकी कोई भी विश हो, लेकिन वो पॉजिटिव होना चाहिए, किसी का गलत करने के लिए नहीं होनी चाहिए, वो पूरी होगी ही होगी। बट ऐसा बहुत कम होता है कि आप 21 दिन तक नॉनस्टॉप कर पाएँ, थोड़े हिंड्रेंस आते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आती हैं बीच में, लेकिन डिपेंड होता है कि आपकी श्रद्धा कितनी स्ट्रांग है। तो आप ये करिए, नहीं तो जैसे मैं ये स्तुति हूँ करती हूँ, रोज़ करती हूँ अपनी पूजा के पहले, आप वैसे भी उनको कर सकते हैं ये स्तुति रोज़। मुश्किल से जिसको याद हो जाती है 2 मिनट लगता है, थोड़ा सा शुरू में तकलीफ़ होती है क्योंकि संस्कृत में है, लेकिन आप कोशिश करिए इसको याद करने की, बहुत रेयर है, और प्लीज़ इसको आगे भी बढ़ाइए। स्तुति ये है, एक दंत शरणागति स्रोतम श्री गणेशाय नमः, देवर्षोचु सदात्मरूपं सकलातिभूतममैनं सोहमचिन्त्यबोधम् अनादिमध्यन्तविहीनमेकं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। अनन्तचित्तोपमं गणेशमभेदाभेदादिविहीनमहागं हृदय प्रकाशस्य धरं सदिस्थं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। समाधिसंसं हृदययोगिनां यं प्रकाशरूपेण विभातमितं सदा निरालं समाधिगम्यं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। स्वबिंब भावीन विलासयुक्तं प्रत्यक्षमायं विविस्वरूपं स्ववीर्यकं तत्र ददाति यो वै तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। त्वदीय वीरेण समर्थभूतस्व माया सरिचं च विश्रम तुरेकं भ्रात्मप्रीतिति संज्ञं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। स्वदीय सत्ताधर्मेकदन्तं गुणेश्वरं यं गुणबोधितारं भजन्त्यमत्यन्तमजन्त्रे संस्थं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। ततस्वया प्रेरितनादकीन् सुषुप्तिसंज्ञं रचितं जगद्वये समानरूपं ह्यवत्र संस्थं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। तदेव विश्वं कर्प्रप्रभूतं दिवापमातो तमसा विभान्तं अनेकरूपं च तदेकभूतं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। ततस्तवया प्रेरितकेन सृष्टं भवसूक्ष्मं जगदेक संस्थं सुसात्विकं स्वप्नपरन्तमागं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। तदेव स्वप्रं तपसा गणेश सुसित्यरूपं विविधं भव सदेकरूपं कृपया च तेगं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। त्वादज्ञा तेन त्वया हृदि संस्थं तथा सुसृश्यं जगदंशरूपं विभिन्न जागरणमयं प्रमेयं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। तदेव जाग्रद्रजसा विवान्तं विलोकितं त्वत्कृपया स्मृतेन बहुभिन्नं च सदेकरूपं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। सदैव सृष्टा प्रकृति स्वभावदन्त्रे तं च विभासि नित्यं देहा प्रदाता गणनाथ एकस्मैकदन्तं शरणं व्रजामः। त्वदज्ञा भ्रांति ग्रहस्य सर्वे प्रकाश रूपाणि विभान्ति कैवे भ्रमान्ति नित्यं स्वविहार कारस्तमेक तन्तं शरणं व्रजामः। त्वदज्ञा सृष्टि करो विधाता त्वदज्ञा पालक एक विष्णु त्वदज्ञा संहारको हरोपि तमेक दन्तं शरणं व्रजामः। यदज्ञा भूमि जलित्र संस्थे यदज्ञा पह प्रवंति नखः स्वतीर्थ संसर्षतः समुद्र समेक दन्तं शरणं व्रजामः। यदज्ञा देवगणा दिवस्ता ददन्ति वे करफलानि नित्यं यदज्ञा शैलगणा स्थिरावे तमेक दन्तं शरणं व्रजामः। यदज्ञा शेषरातो वे यदज्ञा मोह प्रदर्श कामः यदज्ञा कालधरोर्मा च तमेक दन्तं शरणं व्रजामः। यदा एक्या वाति विभाति वारदाग्निजठराज संस्थः यदा एकदम सहस्राजं च तमेक तन्तं शरणं व्रजामः। यदन्त्रे संस्तमेक तन्तस्तदाज्ञा सर्वमिदं विभाति अनन्तरूपं हृदय बोधकं यस्तमेक तन्तं शरणं व्रजामः। सुयोगिनो योगबलेन सान्ध्यं प्रकुर्वते कः स्तवेन स्तौति अतः प्रणामेन ससिद्धि दोस्तु तमेक तन्तं शरणं व्रजामः। ओम नमः इति। ये 21 मंत्रों का श्लोक है, इसमें ऋषि हर बार एंड में बोलते हैं तमेक दंतम शरणम व्रजामः, मतलब हम आपके शरण में आते हैं, हम पर कृपा करिए। तो यकीन मानिए, ये स्तुति इतनी स्ट्रांग है कि अगर आप इसे करते हैं तो गणपति जी कहीं नहीं जाने वाले, उनकी कृपा आप पर होनी ही होनी है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। फिर आपको कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उनकी कृपा हमेशा ही रहेगी आपके ऊपर। अपने सच्चे दिल से करिए, 21 बार अगर कर सकते हैं तो रोज़ करिए। 21 दिन अगर आपकी स्पेशल कोई विश आपको पूरी करनी है, नहीं तो सिर्फ दिन में एक बार जब भी आप अपनी पूजा शुरू करें, बस गणपति जी के आगे हाथ चढ़ाएं, हाथ जोड़ें और उनको दुर्वा चढ़ा दीजिए। बस बहुत ही छोटी चीज़ में वो मान जाते हैं, दुर्वा चढ़ाइए।
ये जो चीज़ मैंने आपको सीधे बताई है, आप मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताऊंगी देवी जी का, क्योंकि मैं देवी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। मैं बचपन से देवी जी की पूजा करती आ रही हूँ, आराधना करती आ रही हूँ। तो मैं देवी जी का एक मंत्र ऐसा बताऊंगी जो सबको पता है, मैक्सिमम पंडितों को सबको पता होता है, लेकिन वो आपको बताते नहीं हैं जप करने के लिए। वो अकेला एक ऐसा मंत्र है, बहुत छोटा सा, जिसका जिसमें आप ईश्वर से सब मांग लेते हो, सब कुछ मांग लेते हो, कुछ बचता ही नहीं है उसके अलावा। तो आप उसकी अगर माला कर सकते हैं तो माला करिए, जप करिए, ईश्वर आपको सब कुछ देंगे। तो आप भूलिए मत मुझे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, ताकि ये स्तुति जो बहुत रेयर हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, बहुत ही कम लोगों के पास ही बची है, वो कम से कम और लोगों के पास भी पहुँचे। तो नमस्ते दोस्तों, आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर।